मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमंस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा इंट्रो बता दिया था, वहाँ पे हमने माउथ फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली टू पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे पढ़ लिया था माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में, जो था हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट। तो अब हम आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के सेकंड पार्ट पे, विच इज़ फूड पाइप, और जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। सो नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट कैविटी। सो हमारी जो फूड पाइप होती है ये हमारे पूरे नेक रीजन से स्टार्ट होकर चेस्ट तक जाती है। ओके, फूड पासिस थ्रू फूड पाइप एंड रीचिज अवर स्टमक। जो हम फूड इनटेक करते हैं हमारे फूड पाइप से पास होता हुआ स्टमक तक जाता है। ओके, फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स हम जो खाना खाते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। एट टाइम जब हम खाना कुछ गलत खा लेते हैं या खाने में कुछ ऐसा होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो फूड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। एंड इन दैट केस जब हम वोमिटिंग करते हैं तो हमारा जो फूड है वो स्टमक से आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। अदरवाइज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इनवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ओके, नाउ इसके बाद जो थर्ड चीज आती है एलिमेंट्री कैनाल में है वो है हमारा स्टमक। हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो फूड पाइप होती है, फूड पाइप कहाँ से कहाँ तक रन करती है? स्टमक तक। ओके, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास स्टमक। सो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टमक के बारे में। यहाँ पे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम बताया गया है, ठीक है, स्टमक के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी हो गई, ईसोफेगस, और यहाँ पे आता है हमारा स्टमक। अब आपने जो खाना खाया वो स्टमक तक पहुँच गया तो क्या होता है? सो सबसे पहले तो जो स्टमक होता है इट इज़ ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट जे शेप। ठीक है, कौन सी शेप? जे शेप। सो जो ये जे शेप होती है ये उसकी जे शेप की तरह बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो किससे कनेक्टेड होता है? फूड पाइप से स्टमक में जा रहा है, मतलब स्टमक की जो ओपनिंग है, स्टमक की जो स्टार्टिंग है वो फूड पाइप से हो रही है, और स्टमक का जो एंड पॉइंट होता है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स स्टमक के एंड में स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ओके, ये दोनों के बीच का कनेक्टर है। नाउ स्टमक लाइनिंग प्रोड्यूस थ्री थिंग्स। जो स्टमक की हमारी लाइनिंग होती है वो थ्री थिंग्स प्रोड्यूस करती है। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो तीन जूस प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड। अब जो आप खाना खाते हो, जो एसिड होता है ये डाइजेशन के साथ जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसे म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। ओके, सेकेंड थिंग इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? इट किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग द फूड। जो हम फूड खाते हैं उसके साथ जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे स्टमक में जाते हैं, वो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। ये भी हमारी स्टमक की लाइनिंग प्रोड्यूस करती है और हेल्प करती है उन बैक्टीरिया से फाइट करने में। ओके, देन लास्ट चीज़ है डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो स्टमक की वॉल है, इनर वॉल है या इनर लाइनिंग है, वो डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस करती है। इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। मींस हमारी बॉडी में हम जो प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करती है। सो ये सब चीज़ें हैं जो स्टमक की लाइनिंग प्रोड्यूस करती है, और वो कैसे हेल्प करती हैं वो हमने देखा। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ चीज़ पे, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। माना जाता है कि एक्चुअल में जो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब उसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हाईली कॉइल्ड होती है। हाईली कॉइल्ड मीन्स जैसे हमारे पास मोर्टिन या गुड नाइट की कॉइल होती है, वो कॉइल शेप में होती है।
सो उसी तरह से इसकी शेप होती है सर्कल में। सो नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 7.5 मीटर इन लेंथ। अब वो कोयल होती है तो अगर हम उसको खोलेंगे तो वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। नाउ कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। सो जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब हम इसका प्रोसेस भी देखेंगे कि किस किस स्टेप में कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम टू ग्लैंड्स। जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो जूसेस को सिक्रीट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन पॉसिबल होता है। ओके, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की दो ग्लैंड्स हैं जो जूसेस सिक्रीट करती हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सो यहाँ पे लीवर एंड पैनक्रियाज। सो लीवर और जो पैनक्रियाज हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले लीवर के बारे में हम पढ़ेंगे। लीवर बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इससे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। सो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। इट सिक्रीट्स ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है जिसका नाम है बाइल। अब ये बाइल क्या करता है? पहली बात तो ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर में ये सारा जूस स्टोर होता है। सो इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। जितना भी हम फैट खाते हैं वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा क्रीम कलर का ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। लीवर सिक्रीट करता है बाइल और यहाँ पे जो पैनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस को। दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। डाइजेशन में हेल्प करता है फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, अब आते हैं हम उस प्रोसेस पे जिससे ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन वी कम ऑन ए लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने ये बात कर ली कि जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ख़त्म होता है। नाउ एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेसल्स। अब आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया। अब वो फूड क्या करता है? वो हमें एनर्जी देता है। वो हमें एनर्जी कैसे देता है? ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारे ब्लड वेसल्स तक जाता है, राइट? और ब्लड वेसल्स तक पहुँचाने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फूड एब्जॉर्प्शन करना। सो नाउ बाय विच डाइजेशन ऑफ फूड एंटर्स द ब्लड वेसल्स। अब जब डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड वेसल्स में चला गया, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विलाई। अब ये विलाई क्या होती हैं? द स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में छोटी छोटी सी फिंगर की तरह एक स्ट्रक्चर बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड विलाई या फिर विली। अब ये क्या हेल्प करती हैं? इट इंक्रीज द वर्क सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा फूड हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जब हम फूड को एब्जॉर्ब करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, नाउ जैसा कि एब्जॉर्प्शन था, ऐसे ही आपके पास एक टर्म आएगी विच इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑर्गन्स यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन में क्या बोला था हमारा? जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचेगा। ओके, अब एसिमिलेशन में क्या होता है? क्या होता है कि जो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के ऑर्गन्स यूटिलाइज करते हैं। मींस कि कोई भी हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है
और वो उस फूड की वजह से उसको एनर्जी मिल रही है और वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो उस फूड को यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। समझ में आया? ये टर्म आपके पास वन वर्ड में आ सकती है या फिर डिफाइन में भी आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वर्क होता है, क्या मीनिंग होता है। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? सबसे पहले तो इट इज़ ए वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। आपने एक चीज़ नोटिस करी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ थी वो 7.5 मीटर थी एंड लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, यानी कि फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ओके, नाउ एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासिस टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अभी भी जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है या पास हो जाता है। देन रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द रेक्टम, और जो अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट अभी भी रह जाता है वो सारा पास हो जाता है रेक्टम में, और ये यहाँ पे रेक्टम में वो स्टोर होता है और वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। इजेशन की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और जो वेस्ट हमारे रेक्टम में कलेक्ट हो गया था वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस, और इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया इजेशन। ओके, सो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से ये समझ लेना है। सो आज का जो टॉपिक है, होप है कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।